एक्चुअली लोगों को ही ध्यान में रखा गया है, कलेक्शन को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा गया है, बिकॉज दिस इज़ अ वेस्टर्न वेयर, बट व्हाट आई एम वेयरिंग इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माई कलेक्शन. वी यूजली डोंट मेक समथिंग लाइक दैट, एंड इट्स नॉट ओनली अ क्लोथ लाइन, इट्स अ प्रॉपर ब्रांड. And we make everything, footwear to handbags to accessories and clothing, of course. So this is a Western wear, which is a high fashion thing in a very economical price. So this is what I think my whole idea is about. चार जी, आप एक मॉम भी है, तो इस बच्ची के साथ किस तरह से आप सब कुछ कर पाएंगे, जिस तरह से आपका आपसे एक मिनट भी दूर नहीं हो रही. Yeah, she wants me 24/7. Whenever I'm around her, she is only with me. And yes, उसके साथ साथ मुझे काम भी balance करना पड़ता है. And it is very difficult, not that easy. But yeah, I'm pulling it off. आपकी मम्मी किस तरह से like आपके brand आपने launch करी? So this is a brand. We have our roots in. Yeah. We have our roots in London. And this Mama. Is a brand basically which Mama. Is Mama. On their name. Mama. The brand name is Amarzo. Mama. Yes, that's Mama. I know, that is Mama on TV. Yes. So actually she's just pointing out to the ad what we've just made for my brand. So this is a brand which is on their name. Amarzo is half of Amira and half of Zohar. But right now we are e-commercing. लेकिन बहुत जल्दी हम रिटेल मार्केट में आएंगे, इंडियन रिटेल मार्केट में. सो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माय फिंगर्स एंड दैट्स इट. यार व्हाट एल्स आई कैन डू? अमाजो के लिए एक जो ब्रांड एम्बेसडर होता है, जिसकी एड प्रमोटिंग होगा, वो चाहते करेंगे या फिर और भी सेलिब्रिटीज देंगे? यू कैन सी दैट कोलैबोरेशंस बहुत सारे फ्रेंड्स ने किया है, सेलेब्स ने किया है, बट जो एड शूट किया है, जो मैंने एड शूट किया है, दैट इज द फर्स्ट एड. As a director, I have shot and I have directed that ad. So you can just see that ad. That's my brand's ad, which I've directed and I've acted in it. So yeah, it's all, after all, interconnected. It's all creativity, I believe. तो दूसरे brand से क्या कुछ different होगा? लोगों को क्या कुछ नया इसमें मिलेगा? This is a high fashion, latest trending brand. So whatever you see, latest trend, you can rely on Amarzo that whatever they have is absolutely latest trend. आपको दो महीने पुराना ट्रेंड भी नहीं मिलेगा. जो आने वाला ट्रेंड है, यानी कि जो छः महीने पहले का ट्रेंड है, वी वर्क ऑन दैट. एंड इट इज़ हाई फैशन इकोनॉमिकल ब्रांड, जो इंडिया में बहुत थोड़ी सी हैं. एंड वी आर वेरी गुड विथ फॉर्मल्स इज वेल. फॉर्मल ब्रांड जो है, लेडीज़ वेयर, जो लेडीज़ ऑफिस में पहनती हैं, वो बहुत कम है. सो वी आर ऑल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ गुड फॉर्मल फॉर वुमेन, एंड ऑफ कोर्स हाई ट्रेंड, लेटेस्ट फैशन, इकोनॉमिकल वेयर. ऑफकोर्स देर इज अ टीम हु वर्क्स ऑन दिस, एंड या आई ऑल्सो गिव माई इनपुट. सो इट्स लाइक अ टीम वर्क. इट्स लाइक अ टीम वर्क, कम्प्लीटली अ टीम वर्क. और जिस तरह से ऑनलाइन को लेकर, ऑनलाइन शॉपिंग लोग ज़्यादा करना पसंद करते हैं, तो क्या ऑनलाइन में भी ये लोगों को? ये ऑलरेडी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा सब पर अवेलेबल है, सेल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं. And this is only a e-commerce brand for now, but yes, very soon we will be retailing as well. और आपके फैंस को क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आपके फिल्में और आपके सीरियल लोगों ने देखा, तो उनके फैंस अब उनके लिए ब्रांड लेकर आएंगे, तो फैंस से क्या कुछ कहना चाहेंगे? You can feel me close to you. That's it. It's my brand, and if you really like me, you want to feel me close to you, go ahead, wear Marzo. और upcoming project अगर आपके कोई बात करें. हाँ जी, आपके अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट क्या होगा? यस, माय फिल्म इज रिलीजिंग इन ऑगस्ट, विच इज कॉल्ड प्रस्थनम, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मीटू को लेकर जिस तरह से तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर एक आरोप लगाया था, जिसपे क्लीन चिट कहा जाए तो उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, और उस पर नाना पाटेकर की जो फाइल है वो बंद की जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों के बीच में हुआ है, हाउ वुड आई नो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हुए माय इवन टू कमेंट, क्या पता हुआ हो, क्या पता बिल्कुल नहीं हुआ. नन ऑफ माय कंसर्न, आई एम सॉरी, बट नन ऑफ माय कंसर्न. बहुत सारे काम है मुझे करने को यार, सॉरी.